फ्री में राशन ना देने पर महिला कोटेदार को बीडीसी सदस्य ने दिखाई दबंगई। नवाबगंज तहसील की ग्राम पंचायत ईद जागीर के मोहल्ला यासीन नगर से निर्वाचित बीडीसी सदस्य अब्दुल मलिक सिद्दीकी और कोटेदार माधुरी गंगवार के बीच विवाद सामने आया है। आपको बताते चले कि माधुरी गंगवार एक सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान चलाती है। उसी गांव से निर्वाचित बीडीसी सदस्य अब्दुल मलिक महिला कोटेदार की दुकान पर शाम के समय राशन लेने पहुंचे। महिला कोटेदार घर पर अकेली थी। कोटेदार ने कहा कि शाम हो गई है, मेरे पति घर पर नहीं है, आप कल आना। इतना सुनते ही बीडीसी सदस्य आग बबूला हो गए और धमकी भरे लहजे में महिला कोटेदार को भद्दी भद्दी गालियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। गाली गलौज कर बीडीसी सदस्य महिला कोटेदार के घर से चले गए। पति के घर पहुंचने पर महिला कोटेदार ने बीडीसी सदस्य की सारी कारगुजारी अपने पति को सुनाई। महिला कोटेदार के पति मुन्ना लाल ने इस घटना की शिकायत उप जिला अधिकारी नवाबगंज से लिखित में की और बीडीसी सदस्य अब्दुल मलिक सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। महिला कोटेदार का कहना है कि अब्दुल मलिक सिद्दीकी हर महीने मुझसे 50 किलो गल्ला फ्री में मांगते हैं। फ्री में ना देने पर वो अक्सर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ भद्दी भद्दी गालियों के साथ अभद्र व्यवहार की हदें पार कर दी और मुझे व मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल मलिक का कहना है कि बहुत से ऐसे राशन उपभोक्ता हैं जिन्हें कोटेदार कई महीनों से गल्ला नहीं दे रही है और टालमटोल करती है, जिसकी शिकायत मैंने अधिकारियों से की है। उनका कहना था कि महिला कोटेदार माधुरी ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो सरासर निराधार है। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। क्या नाम आपका? माधुरी। कौन से गांव रहती है? ईन जागीर। ईन जागीर में कोटा आपके नाम है? जी हाँ। तो क्या मामला था जो है बीडीसी सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि आप गल्ला नहीं देती है एक महिला द्वारा? ये ऐसा है, ये कुछ पर्चियां हमारे पास भेजी, जब से ये बीटीसी मेंबर हुए हैं हमारे पास इन्होंने पर्ची भेजी, हमने इन्हें गल्ला नहीं दिया। दूसरी बात, ये शाम के टाइम ये हमारे पास में आए, हमसे बोले हमें गल्ला दो, तो हमने कहा हमारे पति नहीं है घर पे, इसलिए हम गल्ला अभी नहीं दे सकते हैं, और जब वो आ जाए तो आप कल आ जाना और ले जाना। इस पर ये गाली गलौज करने लगे हमारे ऊपर और उल्टे सीधे बोलते रहे, हम नहीं बोले इनसे। फिर उसके बाद में ये अपने घर चले गए। जाने के बाद में इन्होंने जो भी अपना करना था वो किया है। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? इन्होंने जो गाली बकी, आगे इनसे कोई खतरा उतरा आपको दिखाई देता है? इनसे हमें खतरा अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हम इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं आसिम नगर में, और हमारा कोई घर परिवार वाला यहाँ नहीं है, हम ही 2 मियाँ बीवी हैं, और हमें इनसे जान का हमारे पति को हमको बहुत खतरा है। नहीं पता ये दबंग लोग हैं किस वक्त हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो आप क्या चाहती हो? आप हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इससे पहले भी आए थे एक दो बार ये? हाँ, कई बार आ चुके हैं, लेकिन ये तो है फ्री में गल्ला चाहते हैं क्या? ये फ्री में गल्ला चाहते हैं और 50-50 किलो हमसे मांगते हैं, हम नहीं देते हैं, तो ये हमसे अनाप शनाप भी बोलते हैं। और जो अभी बीटीसी मेंबर जिस मोहल्ले से हुए हैं वहाँ की औरतों को भेजते हैं, कहते हैं तुम पर्ची देते हैं, कहते हैं तुम गल्ला लो जाके और अपनी पर्चियों से। हमने पर्चियाँ लौटा दी, हमने कहा भाई इस समय मशीन का मामला है, हम नहीं दे सकते, जितना गल्ला है वो जा रहा है, जो अंगूठा लगाता है वो ले जाता है, हम कहाँ से दें। उस पर इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने लिखित कोई शिकायत SDM या किसी अधिकारी को दी है? अभी तो हमने नहीं दी, क्योंकि हम इतने। अच्छा, आपके द्वारा आपके तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है इनके खिलाफ? जी हाँ, हमने दिया है। किसे दिया है? SDM साहब को। अच्छा, क्या मांग की आपने? हमने यही मांग की कि ये इन लोगों से हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे पति की और हमारी जान माल का खतरा है, ये दबंग लोग। तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अब्दुल मलिक सिद्दीकी है, क्षेत्र पंचायत ग्राम ईन जागीर से हूँ। अच्छा, ये जो आपको धमकियां मिल रही हैं कि आप कोटेदार को हड़का रहे हैं, क्या पूरा मैटर क्या है? कोटेदार मुझे हड़का रहा है? कल एक गरीब विधवा बेचारी आई मेरे पास, उसका अंत्योदय राशन कार्ड है, उसे 5 साल से 15 किलो गल्ला मिल रहा है, अंत्योदय पे 35 किलो है, 15 किलो होता है। वो मैंने कई बार शिकायत करी थी, मेरी नहीं सुनी, तो मैंने उन्हें SDM साहब के यहाँ भेज दिया। वीडियो वायरल हो गई, पत्रकारों ने निकाल दिए वीडियो, तो सही लगा कि मलिक लेके गया है, तो वो मुझे भड़का रहे हैं, मुझे हड़का रहे हैं वो लोग। नहीं, कोटेदार माधुरी का कहना है कि वो हमारे घर पर आए, हमारे साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, ये कहां तक सही, कितनी सही कितनी गलत है?
इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर लो। मैं तो मेरी चाची लगती है, चचा लगते हैं, मैं तो कभी गाली गलौज से बात भी नहीं कर सकता, उनसे सोच भी नहीं सकता मैं उन्हें गाली गलौज दुख करूंगा। मैंने हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने जान का खतरा बताया पति पत्नी दोनों को। वो तो बकवास कर रही है, अपना बचाव कर रही है। जान का खतरा अगर होना चाहिए तो मुझे होना चाहिए। मुझे धमकियां मिल रही है इस बात की कि गरीबों का ज्यादा रहनुमा बनेगा, तेरी अनाथ लाश मिलेगी, ये है वो है। वो तो खुद 3 बार इलेक्शन लड़े, जीत नहीं पाए, इसी चक्कर में उनके आगे लगी हुई है। ये बीटीसी कहां से बन गया? मैं तो गरीबों के साथ अन्याय होता नहीं दे सकता, चल भले ही मारा जाऊं उनके हाथों से। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको राशन में घोटाला कर रहे हैं ये? कम से कम ऐसी 10-15 औरतें हैं विधवा जिनका अंत्योदय कार्ड बना हुआ है और उन्हें 15 किलो मिलता है। और मैं 10-15 दिन के अंदर बीएससी साहब के यहाँ पर बरेली डीएम साहब के यहाँ उन्हें धरने पर लेकर बैठूंगा। वो खुद गवाही देंगी और उनकी खुद जांच होगी। नहीं, उनका कहना है अंत्योदय का कार्ड हमने आपको बनवाया जबकि आप पात्र नहीं है। आपका आपके नाम अंत्योदय कार्ड है? आप देख लीजिए कि मेरा मैं पात्र हूँ नहीं हूँ, मेरी कितनी जमीन है, मेरे कितने मतलब कारोबार चल रहे हैं, मेरा घर कैसा है, आप देख लीजिए उसकी जाँच करवा ले। मैं पात्र हूँ, मैंने बनवा के दिया, लेकिन ये पात्र नहीं थे फिर भी मैंने बनवा के दिया। ये तो वो खुद देख लेंगे ना, जो जांचें होंगी सबकी। अब ये दोबारा जांचें होंगी, अगर मैं पात्र होऊंगा मेरा बचेगा, अपात्र होऊंगा काटा जाएगा। है आपका नाम? हाँ, मेरे नाम है। ठीक, ओके, थैंक यू।